गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग द चैप्टर नंबर 7 इन मैथ्स डिवीज़न, चैप्टर नंबर 7 डिवीज़न, एंड वी हैव डन यस्टरडे एक्सरसाइज 7A एंड 7B। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7C। स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 11 आर गिवन हेयर। दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स, so we will read very carefully each question and then we will do the solve these question. So all of you students, you will take out your notebook and book and we will start exercise 7C. So question number one is, Shan's mother spent 480 minutes at her clinic. Student, Shan ki mother 480 minutes अपनी क्लिनिक पर स्पेंड करती हैं। हमें बताना है हाउ मेनी आवर्स डज शी स्पेंड एट हर क्लिनिक। तो उन्होंने मिनट वाला टाइम आवर्स में कितना स्पेंड किया। इट मीन्स हमें मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। तो इन नोटबुक वी विल राइट द एक्सरसाइज 7C एज हेडिंग एंड देन वी विल अंडरलाइन दिस हेडिंग। क्वेश्चन वन, वी विल राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन वन, शांस मदर स्पेंड मिनट्स इक्वल्स टू 480 मिनट्स। देन वी विल राइट शी स्पेंड टाइम इन आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हम सब लोग जानते हैं स्टूडेंट, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर। तो जब भी हम मिनट्स को आर में कन्वर्ट करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 60 का, बिकॉज 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर। सो 480 मिनट्स इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स। वैन वी डिवाइडेड 480 बाई 60, इट विल बी 8 आवर्स। सो वी विल राइट हेयर, सो शांस मदर स्पेंड टाइम इन आवर्स इक्वल्स टू 8 आवर्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू इज, माई फेवरेट टीवी शो इज 2100 सेकेंड्स लॉन्ग। मेरा फेवरेट टीवी शो जो है वो 2100 सेकंड तक चलता है। हाउ मच टाइम इज़ दैट इन मिनट्स, और हमें मिनट्स में बताना है कि वो कितना चलेगा। तो वी विल राइट द स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर टू, टीवी शो लॉन्ग इक्वल्स टू 2100 सेकंड, इन मिनट्स इक्वल्स टू 2100 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, बिकॉज 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। So we will divide it by 60 into 2100 second. When we will divide 2100 by 60, it will be 35 minutes. So TV show long in minutes, 35 minutes. Now student, question number three is, a sadhu on a vow of silence did not speak for 7200 hours. एक संत हैं, साधु हैं, जो कि अपनी मौन है, आराधना में लगे हैं, वो बोलते नहीं हैं। डिड नॉट स्पीक फॉर 7200 आवर्स, वो 7200 आवर्स तक कुछ नहीं बोलते। तो हाउ मच टाइम इज़ दैट इन डेज, तो हमें वो टाइम डेज में बताना है। तो इन नोटबुक वी विल राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट, अ साधु डिड नॉट स्पीक इक्वल्स टू 7200 आवर्स, टाइम इन डेज इक्वल्स टू 7200 डिवाइडेड बाई 24 डेज, बिकॉज 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे। सो 7200 आवर्स इक्वल्स टू 7200 डिवाइडेड बाई 24 डेज। वैन बी डिवाइडेड 7200 बाई 24, इट विल बी 300 डेज। हेयर वी विल राइट, सो स्टूडेंट, सो साधु डिड नॉट स्पीक इक्वल्स टू 300 डेज। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल रीड क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इज, 3527 पार्टी कैप्स वर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस। 3527 पार्टी के कैप हैं जिनको पैक करना है बॉक्सेस में। इफ 64 कैप्स वर पैक्ड इन ईच बॉक्स, अगर एक बॉक्स में 64 कैप्स आती हैं तो हमें स्टूडेंट बताना है हाउ मेनी बॉक्सेस वर यूज, तो कितने बॉक्सेस यूज हुए। एंड देन वी विल टेल हाउ मेनी कैप्स वर लेफ्ट ओवर, कितने कैप्स बचे पैक करने के बाद। तो हमें स्टूडेंट यहाँ टोटल पार्टी कैप्स का डिवाइड
एक बॉक्स में जितनी कैप्स आती हैं उससे डिवाइड करना होगा, जिससे हमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो कि यूज्ड हुए हैं वो पता चलेंगे। तो इन नोटबुक वी विल राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल कैप्स इक्वल्स टू 3527, कैप्स पैक्ड इन ईच बॉक्स इक्वल्स टू 64, नंबर ऑफ बॉक्सेस टू पैक 3527 कैप्स इक्वल्स टू 3527 डिवाइडेड बाय 64। व्हेन वी विल डिवाइड 3527 बाय 64, इट विल बी 55 बॉक्सेस एंड हेयर 7 कैप्स लेफ्ट ओवर। सो आंसर विल बी, वी विल राइट हेयर, सो 55 बॉक्सेस वर यूज्ड एंड 7 कैप्स वर लेफ्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज 15,408 kg wheat was distributed equally among families of a village. एक गांव में स्टूडेंट्स वीट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, 15,408 kg wheat को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली उन फैमिलीज में विलेज की। इफ़ ईच फैमिली गॉट 36 kg ऑफ वीट, अगर हर एक फैमिली ने 36 kg वीट पाया तो हमें बताना हाउ मैनी फैमिलीज वर देयर इन द विलेज, तो विलेज के अंदर कितनी फैमिलीज हैं। तो इन नोटबुक वी विल राइट द स्टेटमेंट, वीट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग फैमिलीज इक्वल्स टू 15,408 kg, ईच फैमिली गॉट इक्वल्स टू 36 kg ऑफ वीट, फैमिलीज वर इन द विलेज इक्वल्स टू 15,408 डिवाइडेड बाई 36। वैन वी डिवाइडेड 15,408 बाई 36, इट विल बी 428। हेयर वी विल राइट, सो फैमिलीज वर इन द विलेज इक्वल्स टू 428। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 वी विल रीड। क्वेश्चन नंबर 6 इज, अ फैक्ट्री मेड द सेम लेंथ ऑफ वायर एवरी डे फॉर 35 कंसिक्यूटिव डेज। एक फैक्ट्री ने सेम लेंथ के वायर बनाए हर डेली, हर एक दिन 35 कंसेक्यूटिव डेज में, 35 लगातार दिन काम करके उसने सेम लेंथ के वायर बनाए। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट मेड 82,075 मीटर्स ऑफ वायर। उस पीरियड में टोटल वायर जो बना वो बना 82,075 मीटर। हमें बताना है स्टूडेंट हाउ मेनी मीटर्स ऑफ वायर डिड द फैक्ट्री मेक एवरी डे, फैक्ट्री ने कितने मीटर वायर डेली बनाया। तो जितना वायर टोटल बना है उसका डिवाइड हमें और हर एक डेली के वायर से डिवाइड करना होगा। तो इन नोटबुक वी विल राइट द स्टेटमेंट, अ फैक्ट्री मेड द सेम लेंथ ऑफ वायर एवरी डे इक्वल्स टू 35 कंसेक्यूटिव डेज। एट द एंड वायर मेड इक्वल्स टू 82,075 मीटर्स ऑफ वायर डेट फैक्ट्री मेड एवरी डे इक्वल्स टू 82,075 डिवाइडेड बाई 35। वैन बी डिवाइडेड 82,075 बाई 35, इट विल बी 2,345। हेयर वी विल राइट, सो फैक्ट्री मेड वायर एवरी डे इक्वल्स टू 2,345 मीटर्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1-6 आर डन, यू विल डू दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7C इन योर नोटबुक, फेयर नोटबुक। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।